नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय आपका देख लीजिए हिंदी का है और कक्षा 12वीं वाले छात्र। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी में 21 नंबर 100% दिलाऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने पूरे के पूरे 1 से लेके पूरे 9 तक प्रश्न हैं, जो कि कुछ प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं और कुछ प्रश्न आपके होने वाले हैं 2 नंबर के। तो आपको बता दें कुछ ही दिन पहले हमने आपको ये पेपर अपलोड किया था YouTube पर, उसमें आपने देखा होगा, आपने बढ़िया से याद भी करा होगा, अच्छे से आपने तैयारी करी होगी। तो ये है वो पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको वीडियो में लास्ट में दिखा देंगे। इसी पेपर के माध्यम से हमने आपके लिए यहाँ पर 1 से लेकर पूरे 9 प्रश्न आपके लिए हमने यहाँ पर नोट्स कर लिए हैं, ताकि आप लोग, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके बिल्कुल 100% आएंगे, ठीक है ना, 100% आएंगे ये हमने निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको बताते हैं कि कौन से प्रश्न होने वाले हैं, वे आपको पढ़ के दिखाते हैं एक एक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे एक आपको लाइक का बटन दिख जाएगा, उसको आपको लाइक पे आपको क्लिक कर देना है। एंड चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। अगर आपने ऑल सब्जेक्ट के वीडियो नहीं देखे हमारे चैनल पे, तो आप लोग चैनल पे जाइएगा, हमने आपके ऑल सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है, यानी कि प्रश्न 1 स्टार्ट होता है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये आपका छात्र 2 नंबर का हो जाएगा, अभी के अभी आप लोग इसको याद कर लो। इसके बाद देख लीजिए दूसरा, देख लीजिए छोटा मेरा खेत कविता संदर्भ, देख लीजिए ये एक आपका संदर्भ है कविता, ठीक है ना, मतलब पार्ट है इसमें। देखिए छोटा मेरा खेत कविता संदर्भ आधार और बीज क्या है। तो छात्रों इसको आप लोग अभी के अभी इसको याद कर लो अपनी परीक्षा अध्ययन से उत्तर निकाल के। इसके बाद देख लीजिए लेखक ने सीरीज को यहाँ पर देखिए कालजयी अद्भुत की तरह क्यों माना है, इसको आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए। छात्रों 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें। अब आप देख लीजिए निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है छात्रों, या अभी के अभी आप लोग इनको याद कर लो, 2 नंबर आपको इसमें कन्फर्म मिलेगा। इसके बाद देख लीजिए आपका आता है 5वां, इसमें देख लीजिए कणों रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा, जो भी आपको हम दिखा रहे हैं इनको आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत याद कर लो, अभी याद हो जाए तो। अगर कुछ अब आप अभी याद कर लो, कुछ और मतलब कुछ टाइम बात कर लेना, ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद कर लो। इसके बाद 6वां देख लीजिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा छात्रों, देख लीजिए ये वाला। इसके बाद 7वां देख लीजिए समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा छात्रों, इसको आप लोग अभी की अभी याद कर लो। इसके बाद 8वां देख लीजिए उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा छात्रों। मैंने आपसे पहले ही बताया हुआ है कि आप लोग के पूरे विषय में जो भी आपके अंतर आए, तो आप लोग अधिकतर जो आपको देखें कि यहाँ के ये आने की संभावना है, तो आप लोग उस अंतर को याद कर लो, क्योंकि आपके अंतर जो है ज़्यादातर फंस जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए 9वां देख लीजिए इसमें है तस्मस, इसमें देख लीजिए तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए 2 तस्मस शब्द तथा उनके तद्वद शब्द लिखिए छात्रों, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर का। तो इसमें आपके पूरे जो नंबर जोड़े जाएं, 2 इसमें मिलेंगे 2 इसमें 2 आपको इसमें मिलेंगे, 2 नंबर इसमें मिलेंगे, 2 नंबर 6 में मिलेंगे, 3 नंबर आपको 7वें मिलेंगे और 3 नंबर आपको 8वें मिलेंगे, 3 नंबर 90वें में। कुल मिला के आपको छात्रों 21 नंबर
देखने को मिल जाएंगे और ये नंबर आपके 100% त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका होने वाला है 14 अक्टूबर को ये वाला पेपर। तो आप लोग के सामने ये आपके पूरे के पूरे पेपर दिखा दिए हैं। अब आपको बात करते हैं जो आपने देखिए इस पेपर को बताने का वैसे कोई मतलब आपके लिए नहीं है क्योंकि ये वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपको फिर भी ये देखना है तो आप लोग क्या करना कि आप लोग को ये पेपर हैं इनको हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आपको खुद वीडियो में या फिर आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने का समय आपको दे देते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक एक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें आपको चार तक देखने को मिल रहे हैं, ये चार तक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको विकल्प ये आपका पांचवा हो जाएगा, ये पांचवा और ये आपका छठवा हो जाएगा, तो इनके विकल्प दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक दो में देखिए सेपरेट पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक दो देखने को मिल रहा है, सात नंबर इसमें मिलेंगे तो आप लोग इनको कर लो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लीजिए, सही जोड़ियाँ दी गई हैं तो एक से लेकर छः तक देखिए पूरी छः सही जोड़ियाँ कर लेना। इसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ से आपको सात नंबर देखने को मिल रहे हैं प्रश्न क्रमांक चार में, पूरे एक से लेकर सात तक के हैं, एक बाकी एक शब्द में उत्तर इनको कर लीजिए। इसके बाद आपको और दिखाते हैं तो आप लोग देख लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक पाँच देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पाँच में आप लोग देख लीजिए निम्नलिखित कंडीशन सत्य असत्य आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छः, अब देखिए प्रश्न क्रमांक छः से प्रश्न क्रमांक नौ तक आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत के तुरंत। इसके बाद आप लोग नवे का अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, वीडियो को इस बिल्कुल भी स्किप मत करो, ठीक है ना। ये आपको जल्दबाजी में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पेपर हमने पहले ही आपको YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वाला देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, तो आप लोग को वीडियो जो आप लोग देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको इसमें देखने को मिल जाएगी वह वीडियो की लिंक। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा तक आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा के बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 15, इसके अथवा का भी देख लीजिए और प्रश्न क्रमांक 15 भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आपको इधर दिखाते हैं, इसमें देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 के आपको अथवा का नहीं दिख रहा है, आपको प्रश्न क्रमांक 19 तक ही दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 19 का आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19 का, ठीक है, अथवा का। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20 आपका ये रहा, प्रश्न क्रमांक 20 आपको दिख रहा है, अथवा का भी दिख रहा है और 20 भी दिख रहा है। इसके बाद ये आपका 21 है, 21 भी दिख रहा है और आपको नीचे अथवा का भी दिख रहा है। अब इसके बाद आपको और दिखाते हैं, ये देख लीजिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23, इनके अथवा का भी दिख रहे हैं। इसमें आपको देख लीजिए अपने मित्र कमलेश को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है, इसमें आपको पत्र लिखना है। निबंध की बात की जाए तो आप लोग इसमें देख लीजिए, इसमें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर पढ़ लीजिए पर्यावरण प्रदूषण वगैरह जो भी इसमें आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए छात्र जीवन और खेल, यहाँ पर देखिए छात्र जीवन में अनुशासन, ये कर लेना। इसके बाद आप लोग के सामने एक ये आवेदन पत्र दिखाई दे रहा है, आप लोग पढ़ लेना वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके। तो ये थे आपके पूरे के पूरे पेपर जो कि आपको दिखा दिए हैं। तो आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, पूरे के पूरे पेपर आपको दिखा दिए हैं, ये आपके 100% आएंगे, 21 नंबर आपको इसमें मिल गए, ये समझ लो मिल गए अगर आपने उनको याद कर लिया तो। जो भी स्टूडेंट क्या होता है जो कि इशारे में समझ जाता है जो उसको बताया जाता है वह, अगर जो नहीं समझता है तो वो तो उसी में लग जाता है कि क्या क्या गया ये वो फलान ढिकाना, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद अब आपको पूरे के पूरे बता दिए हैं, 21 नंबर कन्फर्म मिलेंगे और इस पेपर से भी आपको कुछ ना कुछ तो फंसेगा, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर खाली जाए, क्योंकि इसी पेपर में से और आपके और भी हमारे पास पेपर आए हैं उसी के माध्यम से हमने आपके लिए यहाँ से एक से लेके नौ तक के ये प्रश्न निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दी होगी, ठीक है ना। आप चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।